वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा पावर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 275.65 पे क्लोजिंग दे चुका है। आज के दिन में 7.25% की गिरावट देखने को मिले, यानी कि 2.56% की गिरावट हो चुकी है आज के दिन में टाटा पावर स्टॉक में। तो टाटा पावर स्टॉक आज गया ओपन हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ओपन हुआ तो गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते गिरावट यहाँ पे 275 सपोर्टिव एक्ट हो चुकी थी, यहाँ पे आप देख सकते, और ब्रेकआउट भी दिया था 275 पे, तो तकरीबन फिर से रिकवरी किया और 275 के ऊपर यहाँ पे देख सकते सेटल हो चुका था डे एंडिंग में। तो टाटा पावर आज प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 282.90 उसके ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ था। 283.35 हाई भी यहाँ पे आप देख सकते 283.35 का बना चुका था, और यहाँ पे आप देख सकते कि लो था 271.60 का तकरीबन टाटा पावर स्टॉक का। तो टाटा पावर स्टॉक का यहाँ पे मार्केट कैप भी देखी जाए तो मार्केट कैप 87.94,000 करोड़ का है। पी रेशियो 50.52 का है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 56% का है, 0.56%। तो पिछले 5 दिनों में करीबन यहाँ पे 3% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी टाटा पावर स्टॉक में। और वन मंथ की बात की जाए तो लास्ट वन मंथ में 44 पॉइंट अप है, यानी कि 19% अप है यहाँ पे टाटा पावर स्टॉक। तकरीबन एक अच्छी रैली के 240 लेवल के नीचे था, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट करने के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट का सामना करना पड़ा है टाटा पावर स्टॉक के लिए। तो चार्ट एनालिसिस क्या कहते हैं देखा जाए तो मंथली रजिस्ट्रेशन 3 को ब्रेक किया था पर ऊपर सेटल नहीं हो पाया। तो पिछले 5 दिनों से यहाँ पे मंथली रजिस्ट्रेशन 3 का रजिस्ट्रेशन ले रहा था, पर आज यहाँ पे गिरावट हो गई है। तकरीबन यहाँ पे जैसे कि 270 लेवल को फिर से ब्रेकआउट मिलता है नीचे के साइड, तो मंथली रजिस्ट्रेशन 2 जो है वो 265 के करीब है, तो वहाँ तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं टाटा पावर स्टॉक के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टाटा पावर स्टॉक के लिए।